माशाल्लाह एक और वाइल्ड फिग वैरायटी अननोन है अभी, क्योंकि ये वाइल्ड है, इसको कोई नाम नहीं दे सकते जब तक इसका फ्रूट ना आए और इसके फ्रूट की कैरेक्टर हमें ना पता हो, टेस्ट का ना पता हो, तब तक इसको हम अननोन रखेंगे। बट खूबसूरत लीफ पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। मैंने इसको ग्राफ्ट किया था माशाल्लाह से, ये सारी स्प्राउटिंग इसी सीज़न में हुई है। छोटी सी एक बड थी, बिल्कुल माइनर सी, ये आपको नज़र आ रही होगी, और बड़ी ऑकवर्ड तरीके से ये हील हुई थी और इसको बड़ी मुश्किल बचाया मैंने। उम्मीद करते हैं कि ये इस साल अच्छी ग्रो कर जाएगी, और ग्रो करने के बाद इसका भी हम आपको अपडेट देंगे कि ये क्या बनता है क्या नहीं बनता। बहरहाल अगर इसको फ्रूट ना भी लगे खाने लायक, तो हम इसको एज आ रूट स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर समझ लें कि बिल्कुल ही ना होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल ही ड्राई लोकेशन थी इसकी जहाँ पर इसका मदर ट्री लगा हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि सिवाय बारिशों के इसको पानी मिलता होगा इसके मदर ट्री को। तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वाइव किया हुआ पौधा बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में एज अ रूट स्टॉक। अभी भी जो सा ना इसके बाकी फिग से ये डिफरेंस है कि देखें, जैसे आप इसको हाथ लगाते हैं पत्तों को या ब्रांच को, तो आपको बड़ी सॉफ्टनेस मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो सा ना बड़ी ऐसी हार्डनेस ही है, और बड़ा ऐसे अकराव होता है, जैसे मतलब कि बिल्कुल रूखी रूखी नहीं होती, बट है हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। सो दुआ करते हैं कि ये वैरायटी सरवाइव करेगी हमारे पास इंशाल्लाह ताला, और फ्यूचर में हमें अच्छा रिज़ल्ट देगी।